आप उस बंदे को टैग करो जो आपको लग रहा है ये कौन करता होगा। मैं वैसे किसी का नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली यार मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ये कौन कर रहा है तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा वीडियोस में। क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू सी क्या रिव्यू, मतलब लिंक पे क्लिक करके रिव्यू कर दो कि क्या इशू है। इनको लग रहा है कि ये क्लिक करेगा इस लिंक पे, उसके बाद जो डिटेल्स मांगे ये फिलअप करेगा तो इसका पेज ही उड़ जाएगा। साथ के साथ काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि बारामूला आ जाओ भाई। इंशाल्लाह रहमान पहले मैं बारामूला आऊंगा, बारामूला में एक दो दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा जी आगे साउथ साइड। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अभी टाइम आ रहा है जी अराउंड 1 बज रहे हैं, आज है जी फ्राइडे। मैं अभी तैयार हो चुका हूँ, पहले पढ़ते हैं जी नमाज। नमाज पढ़ने के बाद फिर देखते हैं आज के व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग रहता है। वैसे आज मौसम नॉर्मल ही है, उतनी ज़्यादा धूप नहीं है, नॉर्मल मौसम है। बाकी कल के व्लॉग में जो कॉमेंट आया था वो आया था द इकबाल 86 की तरफ से। नेक्स्ट व्लॉग में मेरा नाम लेना, इकबाल रशीद फ्रॉम मागम। बाकी लव यू, थैंक यू सो मच इकबाल भाई, दिल से शुक्रिया। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सारे लोग ना कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब दिल इतना खुश हो जाता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना। 99% ऐसे लोग हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं। बाकी आप सबको तो पता ही होगा कुछ दिन पहले क्या चल रहा था, कल परसों आपने वीडियोज़ में देखा होगा। इट्स ओके भाई, नाउ अब सब कुछ क्लोज हो गया, सब कुछ बात वगैरह होगी, जो भी था सब क्लियर हो गया। अभी उसने भी बोल दिया कि मैं नहीं छेड़ूंगा, अभी आकिब भाई भी नॉर्मल वीडियोस बनाएगा, रोस्टिंग वगैरह सब कुछ बंद है। साथ के साथ मुझे ना मार्केट जाना ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन से मैं ना बर्ज़ा के लिए फूड और मेरे को सैंड लानी है, 2 दिन से मैं कंटिन्यूसली मार्केट जाता हूँ, बिल्कुल भाई मेरे को नहीं मिला वो सब। आज उस भाई ने वहीं से फ़ोन किया कि चलो भाई आज मेरी शॉप ओपन है, आज आ जाना तो आज मैं आपको 100% दे दूंगा। मैंने बोला चलो भाई थैंक यू सो मच, अभी मैं पहले नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या रहता है। बाकी करते हैं इस व्लॉग को आगे स्टार्ट, लेट्स गो। बाहर मौसम काफ़ी सही है, लेकिन धूप ना अभी काफ़ी तेज़ हो गई। चलो इट्स ओके, पहले पढ़ के आते हैं नमाज, उसके बाद बाकी जो काम है वो करते हैं। Meanwhile, ऑल राइट गाइज, अभी जस्ट नमाज पढ़ के आ गए और खाना सब कुछ हो गया, खाना भी खा लिया। खैर अभी मैं बैठा था, मुझे ना मार्केट जाना था। एक्चुअली मेरे को ना 2-3 दिन से कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या आती है। टीम मोनिटाइजेशन सेंट यू वार्निंग CY, मतलब एक नोटिफिकेशन आती है मेरे पास और उसमें क्या डिटेल्स लिखा है, द टर्म्स ऑफ यूथ एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय योर पेज। आप उस बंदे को टैग करो जो आपको लग रहा है ये कौन करता होगा। मैं वैसे किसी का नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली यार मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ये कौन कर रहा है तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा वीडियोज़ में, जब वो पता चलेगा। साथ के साथ इसमें एक लिंक है, उस पर लिखा है कि यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू सी क्या रिव्यू, मतलब लिंक पे क्लिक करके रिव्यू कर दो कि क्या इशू है। इनको लग रहा है कि ये क्लिक करेगा इस लिंक पे, उसके बाद जो डिटेल्स मांगे ये फिलअप करेगा तो इसका पेज ही उड़ जाएगा। ओके ठीक है, उड़ा दो मेरा पेज, फिर ऑडियंस तो वही है ना, मैं नया पेज नहीं खोल सकता क्या? अगर तुम ये पेज मेरा उड़ा दोगे, ओके उड़ा दो, लेकिन मैं नया भी बना सकता हूँ, वही ऑडियंस सपोर्ट करेगी, मुझे पूरा भरोसा है भाई वही सपोर्ट करेगी। बट ऐसा आसानी से आप पेज ऐसे नहीं ले सकते हो, जो भी कोशिश कर रहा है ओके भाई आपकी कोशिश करो, आप 100% कोशिश करो, ठीक है? चलो इट्स ओके भाई, होते हैं ऐसे भी कुछ लोग। बाकी जो मैं कर रहा हूँ मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा कि मैं सही किया, जो भी अभी तक किया वो आपको वीडियोस में पता चल गया होगा कि जो भी मैंने किया सही किया, और वीडियोस भी काफ़ी हद तक मैं ठीक बना रहा हूँ। अभी पहले करते हैं कैमरा को सेट, GoPro लगाते हैं हेलमेट में, उसके बाद निकलते हैं जी यहाँ से। ऑल राइट, चलो अभी निकलते हैं, स्कूटी को करते हैं स्टार्ट, निकलते हैं यहाँ से। अभी मौसम काफ़ी सही है, लेकिन भाई साहब गर्मी है भाई साहब काफ़ी ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो मौसम भी काफ़ी सही है बाहर। वैसे आज होप है कि मिल जाएगा मेरे को सामान वगैरह जो मेरे को लेना है, ऐसा ना हो कि मैं आज फिर से खाली आ जाऊंगा। कैसे? ये है जी मेरे गांव के अपने सब्सक्राइबर्स जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं वीडियोस, कमेंट्स भी देखता हूं आप लोगों के। बाकी मुझे भी मार्केट जाना है, थोड़ा सा ना काम है। बाकी अभी 10K भी होने वाले हैं, पता है अभी अराउंड 600 कम है बस। 10K पे जो जबरदस्त सेलिब्रेशन होगी ना भाई, मजेदार।
मैं, हाँ जबर। चलो मैं मार्केट से आता हूँ, ठीक है। हाँ जी गाइज, अभी मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, अराउंड 500 to 600 कम है। होप कि आप लोग जल्दी करा दोगे 10K, और 10K पर जो सेलिब्रेशन होगी ना भाई साहब, इंशाअल्लाह रहमान एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होगी। वो सेलिब्रेशन मैं आगे आपको बता दूंगा कि वो मैं कैसे करूंगा। साथ के साथ मैंने एक गिव अवे भी रखा है, इंशाअल्लाह रहमान वो भी करूंगा। बस आप लोगों का ऐसी सपोर्ट होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। कल रात मैं लाइव आया था, उस लाइव में मैंने बोला था कि मुझे ना एक्चुअली साउथ साइड आना है, और जैसे शोपियान है, कुलगाम है, और पुलवामा वगैरह, और अनंतनाग साथ के साथ, मैं इन जगहों को एक्सप्लोर करूंगा। 2-3-4 दिन के लिए मैं आ रहा हूँ। वैसे अभी मेरी बात नहीं हुई है किसी से, मैंने बोला था कि आप एक बार मेरे को ना DM कर देना। बस टाइम आने वाला है, मुझे काफ़ी शौक है साउथ साइड आना है, और कुछ जो अच्छी अच्छी जगहें होंगी ना उनको अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। साथ के साथ काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि बारामूला आ जाओ भाई। इंशाल्लाह रहमान पहले मैं बारामूला आऊँगा, बारामूला में 1-2 दिन रुकूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा जी आगे साउथ साइड। जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना, बारामूला क्या साउथ साइड क्या पूरा कश्मीर हम घूमेंगे इंशाल्लाह रहमान। बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट होना चाहिए, जैसे आप लोग सपोर्ट करते हो ना, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है ना, मतलब जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, और एक एक कमेंट मैं डेली पिक करता हूँ। बस और क्या चाहिए मुझे आप लोगों से, बस यही सपोर्ट चाहिए। जो आप लोग सपोर्ट करते हो ना, बस यही सपोर्ट अपना बनाए रखो। कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास ना काफ़ी सारे मुर्गे थे, लाइक अराउंड 12 से 15 थे, बट अभी के डेट में हमारे पास सिर्फ एक बचा है। ये ना मेरे को अलग ही शौक है इंशाल्लाह रहमान, अभी मेरे को ना जाली वगैरह लेनी है, जिससे मैं उनको बाहर नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ गंदा पानी पिया होगा या फिर कुछ खाया होगा, उसके कारण वो मर गए होंगे। चलो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। अभी इंशाअल्लाह रहमान पूरा चेंज करेंगे, और उनके बाहर उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि वो फिर गंदा पानी वगैरह ना नहीं पियेंगे। अभी पहुंचा हूं जी मार्केट। चलो थैंक गॉड आज ना शॉप खुली है, आज मेरे को सामान मिलेगा जो मेरे को बर्जा के लिए लेना है। अभी आया हूं मैं जी पेट शॉप पे, यहां पे मेरे को ना सामान वगैरह लेना है बर्जा के लिए। ये मैंने उठाया है फूड, जो कि ड्रूल्स का है, जो ऑलरेडी मैं उसको दे रहा हूँ। इसके साथ आपको ना लीटर ये जो सैंड है ना, ये फ्री मिलेगी 5 kg। तो ये मेरे को ना ठीक लग रहा है, क्योंकि ये ना अच्छे से खाती है वो। 5 kg कैट लीटर ना इसके साथ फ्री है, जिसका वर्थ है 565। और साथ के साथ ये कुछ ट्रीट्स है, ये भी ले लूँगा, और एक ये ले लिया मैंने, ये देना ना ज़रूरी है। हाँ जी, तो दोस्तों अभी सामान वगैरह जो भी था वो सब कुछ ले लिया। साथ के साथ मैंने ना एक मेडिसिन ले लिया है बर्जा के लिए, शायद इसने बोला था डिवॉर्मिंग के लिए है वो। इन्होंने बोला इससे ना इसकी सफाई अच्छे से होगी, तो आधा से भी आधा देना है, क्योंकि वो अभी काफ़ी छोटी है, तो सुबह देना है खाली पेट। चलो अभी घर के लिए कुछ सब्जी वगैरह लेनी है वो ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा घर। चलो अभी घर के लिए लेने हैं टमाटर, वो ले लेते हैं। टमाटर का 1 किलो था, 1 किलो छोटे छोटे टमाटर भी है। हाँ जी, तो अभी सामान वगैरह सब कुछ दे दिया, अभी चलते हैं घर की ओर वापस, क्योंकि घर पे भी भाई साहब काम है। चलो अभी फटाफट निकलते हैं घर की ओर। अभी मैंने बर्जा के लिए फूड ले आया ना, ये देखो भाई साहब, ये ना दौड़ के आ गई कि मेरे लिए कुछ आ गया। सीरियस मैं इसको आवाज़ करता ना तो इसको समझ आता है कि मेरे लिए ही कुछ आ गया। बर्जा फूड आ गया तुम्हारे लिए, चलो अभी ये वाला खाएंगे ट्रीट्स। माशाल्लाह काफ़ी सही तरीके से खाती है। ये हुई ना बात, चलो अच्छे से खाते हैं, अब इसको ट्रीट खिलाते हैं अच्छे से। अभी ना बड़ा मन हो रहा है मैगी खाने का, अभी पहले बनाते हैं मैगी। देखो भाई मेरी मैगी मैं कैसे बनाता हूँ, इसमें ऐसे टमाटर मैंने ऐड कर दिया। साथ के साथ मैंने ये मैगी मसाला लाया ना, ये ना मैं सब्ज़ी के साथ भी खाता हूँ अलग से, और अभी इसमें भी एक करते हैं ऐड। भाई साहब जो मैगी बनी है ना भाई साहब, इतना मज़ेदार। चलो अभी इसको अच्छे से करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाह, पता है इसका टेस्ट किससे आया? जो मैंने अलग से इसमें मसाला डाला था ना, उसका अलग ही टेस्ट है, उसका अलग ही मज़ा आता है। वो मसाला ना मैं अलग से सब्ज़ी के साथ मिक्स करके भी खाता हूँ, उसमें अलग ही टेस्ट आता है भाई, वो ज़बरदस्त है। भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सीरियसली अभी ना फ़ैन ना इतना तेज़ रखना पड़ता है, तभी इंसान ना अच्छा फील करता है। अदरवाइज़ बोलना मतलब कशिर पेट बनाने से दम, सीरियसली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी यार इस साल। अभी है कुछ 1-2 महीने जिसमें ज़्यादा गर्मी होगी। अभी तक मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया है, अभी अराउंड 4:30 आ गया जी टाइम, वीडियो को करते हैं अपलोड। उसमें उतना टाइम नहीं लगता, पूरा लैपटॉप से होता है, इसमें 10-15 मिनट लगते हैं। वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर मुझे जाना है खेत पे, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है, वो भी करते हैं। चलो अभी पहले वीडियो को करते हैं अपलोड। 1 hour later अभी आया हूँ मैं
खेत पे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम था। यहाँ पे ऑलरेडी ना मम्मी आ चुकी है। मुंबई से क्या करा हाक करान सूड यपर गो यह हाक ये साइडस यपर ते हाक आख चीज सिर्फ हाक और बे कि सोना विना आसे ये चमा सिर्फ हाक ही होते है कशीर में सोन क्या छु अछो हाक सोन। ये वाला जो पेड़ है ना सेब का पेड़ इसमें ना डिफरेंट है। ओमा ये को संबर कुल को मुझे याद नहीं है सहारनपुरी सहारनपुरी या छियो कुल छना है बाकी छियम बाकी वही है अमेरिकन और डिलिशियस। यपर यूसेस ये चनन कुल छना या छन समझ यवा कि या छस पाइवन त्रमस पाइवन छ जबरदस्त मगर या छन चनन दड़ई नहीं कि किसी को और कोई आईडिया है भाई बता दो कमेंट में। कुछ आइडिया नहीं है मतलब इसमें रहते ही नहीं है खसने से सही तम पे वैसियत। खेत पे आके कुछ ना कुछ तो बनता है ना खाने के लिए। यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है इसमें कुछ बचे हैं सनन कस तम से बचाम अख सनन वालों खेन खत। चलो ये एक खाएंगे और उस साइड जाएंगे ये पर आशोल चशा। अभी ये अच्छे से पके नहीं है लेकिन इनको खाने में ना अलग ही मज़ा आता है। हाँ जी तो दोस्तों अभी पहुँचाऊँ मैं वापस घर थोड़ा सा काम था वो सब करके आ गया। खैर अभी अपना काम जो वगैरह है वो सब देखना है। अभी मुझे लग रहा है इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पेज पे पहली बार देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ टेक केयर बाय बाय।